एवरीवन एंड वेलकम बैक। मेरे पास एक यूजर कमेंट रिसीव हुआ था और मुझसे कहते हैं कि भाई क्या हमें अपनी गाड़ी में प्रीमियम फ्यूल यूज करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं। प्लीज इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। सो हियर इज द वीडियो। प्रीमियम फ्यूल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा प्रीमियम फ्यूल का मतलब क्या होता है। जिसके ऑक्टेन नंबर थोड़े से ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल फ्यूल। ऑक्टेन नंबर जो 91 और अबव चले जाए वो आपके प्रीमियम फ्यूल के कैटेगरी में आ जाते हैं, और जो आपके 73-74 के अंदर जो है वो घूमते रहते हैं वो है आपके नॉर्मल फ्यूल का ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन रेटिंग। अब बात करते हैं कि हमारी गाड़ी में जो अगर हमने प्रीमियम फ्यूल डलवा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि कम सीसी वाली बाइक्स में आपको प्रीमियम फ्यूल का यूज करना ही नहीं चाहिए बिकॉज कोई फर्क पता नहीं चलता है। ये दूसरा क्वेश्चन, तो ऐसा वो लोग क्यों कहते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस का आज मैं आप लोग को आंसर देने वाला हूं। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें अपनी गाड़ी में प्रीमियम फ्यूल का यूज नहीं करना चाहिए, मतलब जो कम सीसी वाले बाइक्स होते हैं उनमें हमें प्रीमियम फ्यूल का यूज क्यों नहीं करना चाहिए। एक्चुअली इसके पीछे का रीजन ये है कि जो 200 सीसी से कम वाली बाइक्स या फिर स्कूटर्स होते हैं उनमें इतनी ज्यादा पावर डिलीवर करने की कैपेसिटी नहीं होती है कि वो आपको पावर उतनी अच्छी एफिशिएंट पावर दे पाए। अनलेस एंड अंटिल, सुनिएगा ध्यान से, अनलेस एंड अंटिल आप वो स्लाइट चेंज अगर फील नहीं कर पाते हैं तो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आज आपकी गाड़ी की सर्विसिंग हुई है, आपकी गाड़ी का ऑयल चेंज, गियर ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, सारी गाड़ी एकदम, गाड़ी में हवा वगैरह सारी चीजें आपकी एकदम न्यू हुई है, तो अगर आप उस स्लाइट चेंज को फील कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात। तो मैं समझ जाऊंगा आपको कि आप अगर प्रीमियम फ्यूल डलवाएंगे तो आपको रेविंग पावर में, यानी कि जब आप थ्रॉटल रिस्पांस को थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे, थोड़ा सा आप थ्रॉटल देंगे इस गाड़ी में, तो आपको जब आप थ्रॉटल देते हैं तो थोड़े से अमाउंट ऑफ थ्रॉटल में आपको पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी में कुछ चेंजेस आए हैं। बिकॉज प्रीमियम फ्यूल क्या करता है, आपकी गाड़ी का थोड़ा बहुत बिल्कुल आधे से एक किलोमीटर पर लीटर का जो है एवरेज बढ़ा देता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपकी गाड़ी के अंदर से स्लज फॉर्मेशन, जो इंजन के अंदर स्लज फॉर्मेशन होता है वो खत्म कर देता है। अब बहुत लोग के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई स्लज फॉर्मेशन क्या होता है। एक्चुअली स्लज फॉर्मेशन एक प्रकार का कह सकते हैं केमिकल है जो कि आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर बनता है। अब वो कैसे बनता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपकी गाड़ी का जो इंजन का टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हाई है, तो ऑयल जो है वो फोम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके ऑयल के अंदर इंजन ऑयल जो है वो झाग में बदलने लग जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब नॉर्मल पानी यानी कि रूम टेम्परेचर के पानी में आप सर्फ मिलाते हैं और उसको घोलना शुरू करते हैं तो उसमें इतने झाग पैदा नहीं होते हैं जितना झाग आपकी गर्म पानी में सर्फ डालने की वजह से झाग पैदा होते हैं। तो उसी प्रकार आपकी गाड़ी के अंदर जो है वो ऑयल फोमिंग की समस्या आने लग जाती है। सेकेंडली, जिस वजह से आपका स्लज फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, आपका जब इंजन के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, यानी कि आपका फ्यूल और आपका पेट्रोल का जब मिक्सचर होता है, जब आप कंबशन क्रिएट होता है, उसमें इंजन के अंदर, इंजन के ऑयल के अंदर आपके मेटालिक के पार्ट, मेटल के पार्टिकल्स हो गए, आपके कुछ मॉलिक्यूल्स हो जाते जैसे कि डर्ट हो गया, डस्ट हो गया, मेटालिक पार्टिकल्स हो गए, ये सारी चीजें इंजन के ऑयल के अंदर मिल जाए, जिसकी वजह से आपका जो इंजन ऑयल जो है ना उसके अंदर स्लज, यानी कि एक तरह की काई जिसको बोलते हैं, स्लज मतलब कि काई होते हैं, जो गाढ़ी काई। आपने देखा होगा कि जब आप इंजन का कार ओपनिंग, मतलब देखिएगा इंजन कार का जो इंजन रहता है जब उसमें इंजन ऑयल को निकालते हैं तो एकदम काई की तरह निकलता है, जैसे काई होती है ना, जैसे कि किचन में जब खाना बनाते हैं तो ऊपर चिमनी में किस प्रकार का तेल जम जाता है, उसी प्रकार की जो काई रहती है वो, उसको हम लोग कहते हैं स्लज फॉर्मेशन। तो प्रीमियम पेट्रोल जो है वो स्लज फॉर्मेशन को थोड़ा बहुत कम करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत स्लाइटली चेंज का आपको रेविंग पावर देखने के लिए अपनी गाड़ी मिलती है। अब बात आती है कि क्या आपको अपनी गाड़ी में प्रीमियम फ्यूल डलवाना चाहिए। देखिए आपके इसमें दो आंसर है, हाँ भी और ना भी, आपको जो सुटेबल लगे आप उस आंसर को चुन लीजिएगा। इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि अगर आप अपनी गाड़ी में प्रीमियम फ्यूल यूज करते तो आपकी गाड़ी में कोई भी नुकसान होगा, ये कतई गलत बात है। आप आराम से अपनी गाड़ी में प्रीमियम फ्यूल यूज कर सकते हैं। लोग इसलिए प्रीमियम फ्यूल यूज नहीं करते बिकॉज वो थोड़ा सा महंगा रहता है, 10 रुपए लीटर के हिसाब से आई थिंक सो वो ज्यादा कॉस्टलियर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल फ्यूल। दूसरी बात, प्रीमियम फ्यूल आप तब यूज कीजिए अपनी गाड़ी में जब आपको
स्लाइटली चेंज का फील महसूस हो कि हाँ यार मेरी गाड़ी मुझे जब मैं रेव कर रहा हूँ तो मुझे हल्का सा एक स्लाइट चेंज फील हो रहा है। जैसे कि आपकी गाड़ी जो है अभी आइडल खड़ी है, स्टार्ट हैप्पी गाड़ी, तो आप जब इस गाड़ी का जो थ्रॉटल है उसको हल्का सा घुमाएंगे तो आपको वो थ्रॉटल लैग फील ना हो और आपकी गाड़ी का जो कंबशन है वो अचानक से एकदम क्रिएट हो जाए, यानी कि आपका गाड़ी का जो कंबशन है वो प्रॉपर हो जाए, तब आप समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी के अंदर का जो प्रीमियम फ्यूल है वो काम कर गया। यानी कि आप अगर वो चेंज को फील कर पाए तो आपके लिए प्रीमियम फ्यूल बेस्ट है, नहीं तो आपके लिए नॉर्मल इंजन ऑयल भी बेस्ट है। बिकॉज अगर मैं बात करूं 200 सीसी के अंदर की गाड़ियों की, तो आपको गाड़ियों में इतनी पावर डिलीवर नहीं होती, यानी कि गाड़ी में इतनी पावर मिलती ही नहीं है कि आपको वो उतनी पावर डिलीवर करे। लेकिन अगर मैं बात करूं 200 से हायर वेरिएंट की गाड़ियों में, तो उसमें इतनी पावर होती है कि आप उसमें पावर को फील कर सकते हैं कि आपने अगर प्रीमियम फ्यूल डलवाया है अपनी गाड़ी में तो आपको वो पावर फील होगी। तो ये होता है डिफरेंस प्रीमियम फ्यूल और नॉर्मल फ्यूल में। तो आपको डलवाना है अगर आपकी जेब पर बर्डन नहीं पड़ रहा है एंड अगर आप कंफर्टेबल है प्रीमियम फ्यूल डलवाने के लिए तो आप डलवा सकते हैं। एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए कि हल्का सा बिल्कुल माइन्यूट सा चेंज आपको फील होता है जब आप थ्रॉटल को रेव करते हैं, एंड सेकेंडली स्लज फॉर्मेशन कुछ हद तक कम हो जाता है बिकॉज आपके प्रीमियम फ्यूल में आपका जो है ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है एंड एडिटिव्स उसमें मिले होते हैं, इस वजह से आपके जो स्लज फॉर्मेशन होता है वो ज्यादा नहीं होता है। होप सो आपको वीडियो क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।